हेलो वीवर, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक्टिव वॉइस को डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि समथिंग व्हिच इज डन इन द पास्ट, मतलब जो पास्ट में हो गया हो तो उसको क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। अब एग्जांपल में देखो, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एग्जांपल है, माई होमवर्क इज डन। पिछली वीडियो में आप देखो जैसा कि आई डू माई होमवर्क, और इसमें क्या है, माई होमवर्क इज डन, जैसा कि पिछले जमाने में हो गया था पास्ट में, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अब ये जो आपको मैं सिखा रहा हूँ ये सबसे आसान तरीका है, आप इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, और इंग्लिश को बिगिनर से सीखने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने वन बाय वन सबको बहुत गौर से सुनना है, सीखना है और प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, तभी आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो। और अगली वीडियो में हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।